ने अब बहुत ज्यादा बड़ा अनाउंसमेंट किया है दैट वो लोग एक्चुअली अपना जो पेपर है आंसर की और तुमने कौन से आंसर्स मार्क किए हैं वो भी रिलीज करने वाले हैं सो दैट मीन्स टू थिंग्स वन यू हैव कम्प्लीट क्लैरिटी ऑन

A student that I know, Jayesh Ganwat. Uh, he's right now at at he was with me स्टूडेंट दैट आई नो जरियो जब ज़्यादा problem आई थी he's one of the people who was very much ahead. वो सबका ध्यान रखता था पूरे case को वो आगे से संभाल रहा था उसने मुझे भेजा है that उनको directly ये सीई टी सेल से मिला है because वो contact में रहते हैं उनके साथ दैट uh, यहाँ पे देखिए, इन्होंने सारी सी की डेट्स दी हुई है एंड महा एम बी एम एम एस टी दैट इज हम जो सीईटी टी के लिए पढ़ते हैं वो सीईटी टी ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फोर्थ मार्च को हो सकती है टेंटेटिव uh, डेट्स अब तक तो उन्होंने कभी टेंटेटिव डेट्स को चेंज नहीं किया है वो लोग वही डेट्स रखते हैं सॉरी <coughs>

अगर कम परसेंटाइल आया देखो अच्छा परसेंटाइल आया तो तो बहुत अच्छी बात है बट इफ यू आर ऑलरेडी नॉट स्कोरिंग अ वेरी गुड परसेंटाइल तो अभी क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स वो सब अभी मत करना आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द कैट 75 फाइव का बैच दे आर डूइंग वेरी वेल वी took अबाउट 50 स्टूडेंट्स फॉर our कैट 75. फाइव यू गैज आर बीन फॉलोइंग अस एंड इट्स गोइंग रियली वेल फॉर देम बट फ्रॉम what आई हैव सीन जो क्रैश कोर्सेज मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं उनमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ जाएगा सो so, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लाइफ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट गेटिंग सीरियस अगर तुम्हारा कैट का प्रेपरेशन अब तक नहीं अच्छा जा रहा है स्टार्ट और सीई टी प्रेप वर्ना अगर जनवरी में चालू करोगे प्रेप तो लोग तुमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे जनवरी में क्रैटिविटेस्ट के बैच वन और बैच टू के स्टूडेंट्स को तो मार्क्स भी देना चालू कर देंगे एक्चुअली डिसंबर में मेरा पूरा मार्क्स केड्यूल ऑलरेडी रेडी है स्टूडेंट्स को कब कब मार्क्स देनी है सो लेट सी हाउ केन हाउ डू यू स्टार्ट प्रिपेरेशन दो देखो अलग अलग प्रिपरेशन करने के दो तरीके होते हैं ये देखो प्रॉपरली तो ये देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है या तो तुम सीईटी फर्स्ट टाइम दे रहे हो या फिर तुम सीईटी रिपीटर हो तुम दोनों का प्रेपरेशन अलग चलेगा अगर तुम हर जगह पे जाओगे तो दोनों प्रिपरेशन सेम तरीके से करवाते हैं नहीं वैसा नहीं करना दैट इज द वर्स्ट अप्रोच सीईटी रिपीटर्स तुम्हारे बेसिक्स नॉर्मली क्लियर होते हैं तुम्हें एटलीस्ट सब्जेक्ट का आइडिया होता है तुम्हें पता है सीई एग्जाम कैसे होती है और फर्स्ट टाइम सीई टी टेकर्स तुम्हें कुछ नहीं पता तुम बहुत नए नए हो बाकी सारी एग्जाम सीई जैसी नहीं है इतना टाइम प्रेशर बाकी कोई भी एग्जाम में नहीं होता कैट जैड स्नैप एनमैट माइकैट किधर भी इतना टाइम प्रेशर नहीं है जितना सीईटी में होता है सो so, तुम्हें जो चार चीजें करनी है तुम्हें अपनी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करना है तुम्हें सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान देना है पोस्ट दैट यू हैव टू लर्न मेथड्स टू टारगेट द सी एग्जाम देर आर फ्यू मैथड जो सिर्फ सी टी पे लगेंगे और सी टी पे बहुत प्रॉपरली लगेंगे बिकॉज वो स्पीड बेस्ड एग्जाम है दैट इज दी स्पीड बेस्ड एग्जाम टाइम

फ्रेशरोज यू स्टार्ट एट लेवल टेन लेवल ट्वेंटी सेवेंटी जहां से भी तुम खड़े हो मुझे वो रिकॉग्नाइज करके उधर से आगे बढ़ना पड़ेगा तुम्हें तो उस हिसाब से प्रिपरेशन के लिए पूरा प्लान देना पड़ेगा तुम्हारे लिए बेजिक्स का रिविजन जरूरी है बिकॉज काफी टाइम भी दिया है सीई को तो थोड़े बेजिक्स इधर उधर हिल जाते हैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अ स्टडी ग्रुप जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा हाई कॉम्पिटिशन मिलेगी और हाई कॉम्पिटिशन के लिए ट्रस्ट मी क्रैक इज द बेस्ट प्लेस इतना हाई कॉम्पिटिशन कहीं भी नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर वी हैड द बेस्ट रिजल्ट विद फोर्टी स्टूडेंट्स एट जे बी एस इन सिडनम आउट ऑफ द वेरी स्मॉल नंबर ऑफ दैट वी हैड इतने हाई परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन और किसी के भी नहीं है

तुम्हारे लिए मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के मार्क्स देने होंगे बिकॉज तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमें बूस्ट करना है तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटा हुआ है उससे हमें थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा दैट कैसे आगे बढ़ना है क्या करना है थैंकफुली एट क्रैक एवरी टेस्ट तुम्हें जो हमारे मॉक का पूरा हमारा मॉक मॉक तुम जब एनरोल करोगे तो में यू गेट थर्टी फुल मॉक्स यू गेट टेन मिनी मॉक्स यू गेट ट्वेंटी फाइव सेक्शन एंड यू गेट फोर्टी सेवन एरिया टेस्ट एंड ऐसे हल्के हल्के टेस्ट नहीं है सारे टेस्ट आर ऑफ अ वेरी वेरी गुड लेवल स्पेशली मॉक टेस्ट दैट वी हैव उनमें डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल मार्केट से काफी ज्यादा होगा सो यू ऑलरेडी नो दैट डिफिकल्टी लेवल हाई रखना जरूरी है इफ यू वांट टू क्लब अवर मॉक्स विद अदर्स तो तुम uh, को एक ईजी लेवल के मॉक को हमारे साथ क्लब करो बिकॉज हमारे मॉक्स ऑलरेडी टफ है तो टफ कार्ड संभल जाएगा तुम्हारा ओके फॉर ऑल द पीपल हु वॉन्ट टू नो ये सब कुछ इंक्लूडेड है हमारे तीन पैकेजेस में दैट इज पैकेज वन टू एंड थ्री पैकेज वन और पैकेज तुम्हें पैकेज तुम्हारा पूरा सीईटी ई कवर हो जाएगा दैट इज़ uh, तुम्हारे बुक्स मॉक्स यू विल हैव द लाइव लेक्चर्स यू हैव द रिकॉर्डिंग्स तुम्हें बुक्स घर पे कुरियर आ जाएंगी पैकेज टू में फायदा है दैट तुम्हें वन टू वन काउंसलिंग भी मिलता है एंड साथ में मॉक बड़ी सेशन बड़ी सेशन तुम लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा फायदा बड़ी से नहीं करवाया स्टूडेंट्स का दैट uh, मैं एक्चुअली लाइव तुम्हारे सामने मॉक सॉल्व करूंगा पूरे ढाई घंटे की मॉक लाइव सोल्व करूंगा उसके बाद उसका तीन साढ़े तीन घंटे का पूरा एनालिसिस होता है तो एक साढ़े छः सात घंटे का सेशन होता है वैसे दो मॉक बड़ी सेशन होंगे एंड यू विल रियलाइज क्या सही क्या गलत कैसे मॉक को अप्रोच करना है मॉक बड़ी से लिटरली बोला है उनके मार्क्स पंद्रह या बीस मार्क्स से भी बढ़ गए बिकॉज स्ट्रैटेजी इतनी अच्छे से उनको समझ गई कि मैं कैसे स्ट्रैटेजाइज करता हूँ एंड फाइनली पैकेज थ्री इसका फीस हमने अभी ही कम किया है दो दिन पहले अठारह हजार से सत्रह हजार कर दिया है एंड मैट्स मैप का वी आर स्टॉप टेकिंग एडमिशन आई रियली टेल यू दैट वी टेक वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स में तुम्हें डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे यू विल फाइन इन आर लेक्चर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज वी बिलीव कम स्टूडेंट्स रखो सबसे ज्यादा रिजल्ट लेकेट इज वाट वी हैव शोन हिस्टोरिकली सो दिस फॉर एग्जाम्पल द कैट सेवेंटी फाइव यू गाइज नो दैट कैट सेवेंटी फाइव में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था एडमिशन लेने का वी गेव अवे रिफंड टू अबाउट हंड्रेड वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स बिकॉज वी वॉन्टेड वेरी लेट स्टूडेंट्स फिफ्टी स्टूडेंट्स एंड वी वड डन और उसके ऊपर हमें स्टूडेंट्स लेने ही नहीं थे वी हैड अबाउट थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी स्टूडेंट्स वेटिंग इन द लाइन सो दट सर हमें प्लीज एनरोल करना है कैट सेवेंटी फाइव ने